बैक टू मल्टी किचन में मेरे सारे फ्रेंड्स का स्वागत है। आज का मजेदार रेसिपी लेकर आ गई हूँ और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हमारे रेसिपी की तरफ। यहाँ पे पैन बिठा ली और इसमें मैं गेहूं की आटा ले रही हूँ। गेहूं की आटा बहुत हेल्दी होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 कप की गेहूं की आटा ली है। आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं, जितना आपको बनाना है। ये 2 कप की आटा, कम से कम ये 400 ग्राम की आटा है। तो इस आटे को मैं पहले लो फ्लेम पे भूनूंगी। लो फ्लेम पे भूनने से ये होता है कि इसका कच्चापन निकल जाता है, आटा में एक अच्छी वाली खुशबू आ जाती है और हमारी जो रेसिपी की स्वाद और भी बढ़ाती है। तो हम लो फ्लेम पे आटा को 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ आटा हो चुका है, हमारे गेहूं की आटा भून चुके हैं अच्छे तरह से। अब मैं इसको निकाल दूंगी एक बाउल में और इसको ठंडा होने के बाद इसमें पानी डालकर अच्छे से गूंथूंगी। तो पहले मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ती हूँ। याद रखिए कि इस आटा को हम कड़वा नहीं करेंगे और हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल नहीं भुनेंगे। तो इसको ठंडा होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको अच्छे से गूंथूंगी। इसका आटा गूंथना ऐसा होगा कि ज़्यादा सख्त नहीं होगा और ज़्यादा नरम भी नहीं होगा। तो मैं इसको गूंथ के पहले डो बना लेती हूँ। धीरे धीरे करके जितना पानी हमें चाहिए हम इसी तरह से हम पानी देंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। देखिए मैं किस तरह से गूंथ रही हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं। ये आटा गूंथना हो चुका है, अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यह हमारा आटा गूंथना हो चुका है, इसको मैं ढक के साइड में रखती हूँ। यहाँ पे मैं 2 उबले हुए आलू ली है। 2 उबले हुए आलू आटा के हिसाब से लिए, गेहूं के आटा हम जितना ले उस हिसाब से आलू ले, एक छोटा वाला आलू और एक बड़ा वाला। आप अपने हिसाब से ज्यादा आलू ले सकते हैं, ज्यादा आटा अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा आलू ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 उबले हुए आलू को मैं अच्छे से फोक की मदद से मास कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ में मास कर सकते हैं, जैसे भी हो हमारा आलू मास होना चाहिए। और इसमें हम जो मसाला डालेंगे ना, वो अपनी आपकी स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, बारीकी कटे हुए प्याज डाल रही हूँ और थोड़े धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। मैंने बोला ना, आप अपने हिसाब से इसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको मिला के अच्छे से इसको मिला लूंगी। आप हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे भी हो इस आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिला लीजिए। ये मसाला टेस्टी होना चाहिए। तो यह मसाला बहुत ही हेल्दी है। आप चाहे तो इसमें, इस आलू में थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, सरसों के तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सरसों के तेल नहीं डाल रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो सरसों के तेल डालने से बहुत अच्छा होता है। तो इसको साइड में ले ली और यहाँ पे हमने जो आटा गूंथ के रखा था ना, उसी आटा को निकाल दी। देखिए आटा की फॉर्म अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और गूंथते हैं, 1 मिनट के लिए। फिर जाके इस आटे को हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे, जितना इतना बड़ा लोई नहीं बनाएंगे, पूरा छोटा छोटा, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं ना लोई, उसी तरह से बनाएंगे। हो सकता है तो उसी से और छोटा बनाइए, क्योंकि बच्चे इसको खाने के लिए बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी। ये इस तरह की एक नाश्ता है जो बच्चे से बड़े सब टूट पड़ेंगे। स्वाद ये बनाने के बाद इसमें जो स्वाद निकलेगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। और आटे से बना हुआ नाश्ता तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। आटे की नाश्ता हर कोई प्रेफर करता है। तो ये मैं छोटे छोटे लोई बना चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए थाली में सजा रही हूँ, पूरी के लिए जैसे लोई बनाते हैं उससे थोड़ा छोटा लोई हम सब कुछ बना चुके। अब ये लोई को हम हाथ में बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ पे जब लोई को हम चपटा करेंगे, छोटे छोटे रोटी जैसे, पूरी जैसे करेंगे तो हाथ में लग जाए, इसीलिए मैं इस लोई को हाथ में थोड़ा तेल लगा के इसको पूरी जैसे छोटा छोटा बना रही हूँ। देखिए जैसे छोटे छोटे कटोरी होता है उसी तरह से मैं, देखिए ऐसे ही बनाएंगे। तो इसके अंदर हम ये स्टफिंग भरेंगे, ये जो आलू की स्टफिंग है, थोड़ा थोड़ा स्टफिंग भरेंगे। और ये लोई को, ये जो हमने कटोरी जैसे बनाया, इसको अच्छे से लॉक करेंगे और गोला जैसे बना देंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा इसमें स्टफिंग भरेंगे तो ये अच्छे से गोला हो जाए। अगर ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तो
तो ये अच्छे से गोला नहीं हो पाएगा। अब अगर ज्यादा स्टफिंग आप लोग को भरना है तो आप लोई को थोड़ा बड़ा करेंगे और कटोरी को थोड़ा बड़ा करेंगे। तो मुझे छोटा छोटा चाहिए तो मैं छोटा छोटा बना रही हूँ। ऐसे करके हम सारे लोई के अंदर एक कटोरी बना के इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। इसको आप अपने हिसाब से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लोई की बॉल जैसे शेप दे रही हूँ, बॉल जैसे शेप दे रही हूँ, क्योंकि बॉल जैसे शेप में खाने में भी बड़ा मजा आता है। जैसे मंचूरियन होता है ना, बॉल जैसे खाने में बड़ा अच्छा होता है। और ये भी एक इसी तरह की एक नाश्ता है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से हम सारे लोई के अंदर भर लेंगे। ये सारे आटे की लोई के अंदर हम लोग स्टफिंग भर दिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। फिर हम यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर जैसे लगाया बिठाया है, इसके नीचे मैंने पानी रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको पहले तेल ग्रीस कर रही हूँ। और इसके अंदर जो हमने ये स्टफिंग वाले लोई बनाए, इसी लोई का हम इसके अंदर रख देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। एक एक करके सारा लोई को हम इसके अंदर रख लेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इसको पानी में डालेंगे नहीं, इसके नीचे पानी है, इसको स्टीम करेंगे। पानी की जो भाप है, भाप इसमें लगना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया। आप चाहे तो एक बर्तन में पानी डाल के उसके ऊपर कुछ भी कपड़ा बांध के उसके ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे भी हो, हमें इसको स्टीम देना है 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट हो चुका है, देखिए अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। बहुत ही अच्छा नाश्ता है, इसको आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए। एक एक करके मैं इस सबको निकाल दे रही हूँ। और ये हो चुका है। फिर से हम पैन बिठाते हैं और पैन पे तेल ले रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। और इस जो लोई को हमने थोड़ा स्टीम दिया था, इसको अब हम फ्राई करेंगे। और याद रखिए, इसको जब हम फ्राई करेंगे तो लो फ्लेम पे करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको थोड़ा हम फ्राई करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। पहले क्या है ना, हमारा ये लोई तो पहले हमारा स्टीम हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप चाहे तो फ्राई ना करें तो भी चलेगा, लेकिन फ्राई करने के बाद इसके ऊपर जो क्रिस्पीनेस होता है वो खाने में बड़ा मजा आता है। तो इसको मैं फिर से 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रही हूँ। ये हो चुका है, अब हम इसको निकाल देते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा ये लोई। उसी पैन में हम लोग मसाला बनाएंगे। तो फिर से मैंने वेजिटेबल ऑयल ली है, कितना थोड़ा थोड़ा तेल इस्तेमाल में कर रही हूँ, तेल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, चॉपिंग वाले प्याज। आप अपने हिसाब से प्याज का शेप भी दे सकते हैं। तो ये बारीकी कटे हुए प्याज डाल दी और नमक गलने के लिए और स्वाद अनुसार इस सबको अच्छे से भून रही हूँ। और ये 1 टीस्पून हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट, ज्यादा मत डालिए, ज्यादा अदरक पेस्ट का, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ, ये पैकेट का प्यूरी डाल रही हूँ। आप चाहे तो घर पे टमाटो प्यूरी बना के डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी डालने से थोड़ा अच्छा ग्रेवी बनता है। यहाँ पे मैं ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो ड्राई भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मैगी मसाला डाल रही हूँ। मैगी मसाला का टेस्ट तो आप सबको पता होगा, बहुत ही अच्छा होता है। और मैगी मसाला बच्चे बहुत आराम से खाते हैं, कुछ भी सब्जी में हम डाल देते हैं खाने में तो बच्चे बहुत ही खुशी से खा लेते। तो मैंने ये आइडिया लगाया, थोड़ा मैगी मसाला डाल दी और 2-3 ड्रॉप सोया सॉस, बस इतना ही मसाला इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मसाला थोड़ा अच्छे से भून जाए। और यहाँ पे मैं हमारे जो आटे के बॉल्स मैंने बनाया था उसको भी डाल रही हूँ। इसको हम ऐसे ही भुनेंगे। याद रखिए फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल लो, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा आटा का लोई अच्छे से बन चुका है और ये मसाला भी बन चुका है। और इसके साथ मसाला अच्छे से मिक्स हो तब तक के लिए हम इसको भुनेंगे। इसका ग्रेवी जो हम सूखा वाला ग्रेवी बनाएंगे, इसका लिक्विड ग्रेवी बनाएंगे नहीं, पानी वाला ग्रेवी बनाएंगे नहीं। इसका सारा पानी मैंने ड्राई कर दी। देखिए कितना ये जो मसाला है ये बॉल के ऊपर नीचे अच्छे से लग चुका है। और थोड़े की धनिये के पत्ते गार्निश कर रही हूँ। हो गया हमारा कितना फटाफट नाश्ता। और बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे, सब टूट पड़ेंगे इसको बना के। आप एक बार इसका टेस्ट तो देखिए, बहुत ही अच्छा है। अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कीप वॉचिंग चैनल को, प्लीज़ वॉच कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी हम लोग भी लेकर आते हैं।
और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल में, बहुत ही अच्छा।